मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। पहले मजबूरी में लूटते थे, अब मजे में लूट रहे हैं। कैसे? इन कंपनियों ने हिंदुस्तानियों की एक कमजोरी पकड़ ली है। हमारी एक बड़ी भारी कमजोरी है, वो पता है कमजोरी क्या है? अगर कोई हमको बार 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 झूठ बोलता रहे, हम थोड़े दिन में उसको सच मानने लगते। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी। ये विदेशी कंपनी वाले क्या करते हैं, टीवी पे विज्ञापन दिखाते हैं, सवेरे से शाम तक विज्ञापन दिखाते हैं। एक बार, दो बार, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 200 बार 1000 बार 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 बार, और आप देख देख के इतने पागल हो जाते हैं कि चुपचाप वो चीज खरीद के ले आते हैं बिना सोचे समझे। और विज्ञापन कैसे आता है? आप टीवी का चैनल खोलो तो सबसे पहले विज्ञापन देखना पड़ेगा। कोई भी चैनल खोल लो, आपको अगर समाचार देखना है आज तक खोल लो, स्टार न्यूज खोल लो, जी न्यूज खोल लो, कोई भी न्यूज खोल लो। होता क्या है, न्यूज आती है 2 मिनट, विज्ञापन आता है 3 मिनट। 2 मिनट न्यूज 3 मिनट विज्ञापन। अब होता अंत में पता है क्या है, न्यूज तो भूल जाती है, विज्ञापन याद हो जाता है। क्योंकि न्यूज तो बदलती रहती है ना, हर 2 घंटे 3 घंटे में, तो भूल गए, विज्ञापन सबको याद हो गया, परमानेंट याद हो गया। मैं बहुत लोगों से पूछता रहता हूं जो रोज न्यूज देखते हैं कि भाई कल क्या समाचार देखा, तो कहते हैं याद नहीं। फिर उनसे पूछो विज्ञापन क्या देखा, तो वो याद है, ठंडा मतलब कोका कोला, तुरंत याद आ जाता है विज्ञापन, क्योंकि दिमाग में घुस गया बार 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 बार। तो हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, इनका विज्ञापन देख देख के माल खरीद लेते हैं। और विज्ञापन इस तरह से बनाते हैं जिसमें लोगों का विवेक शून्य हो जाता है। एक विज्ञापन है, विदेशी कंपनी है, लाइफ बॉय साबुन बेचती है। क्या विज्ञापन आता है, लाइफ बॉय है जहां। अच्छा, अब आप सोचो कि ये लाइफ बॉय है जहां, तंदुरुस्ती है वहां, इसका माने तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आ रही है, तो रोटी पानी क्यों कर रहे हो भाई, खाना क्यों खा रहे हो, लाइफ बॉय लगाओ, रगड़ रगड़ के नहाओ, तंदुरुस्ती आती रहेगी। और आप बताओ, तंदुरुस्ती का साबुन लाइफ बॉय हो सकता है? तंदुरुस्ती का आधार दूध हो सकता है, दही हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, गेहूं हो सकता है, लाइफ बॉय कब से हुआ? अब अकल की बात तो यही है ना, साबुन तंदुरुस्ती का आधार नहीं होता, लेकिन हम जबरदस्ती लाइफ बॉय खरीदते हैं। एक जमाना था कि कोई लाइफ बॉय नहीं खरीदता था, आज इस कंपनी का 7 करोड़ लाइफ बॉय साल में बिक जाता है, और लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं इस उम्मीद में कि आज तंदुरुस्त हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, 20 दिन बाद हो जाएंगे। और कैसे मूर्ख बनाती है ये कंपनी, वो विज्ञापन में कहते हैं लाइफ बॉय मैल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है। मैल को नहीं धोता, मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धोता है, और कीटाणुओं को मारता नहीं है, धोता है। सुना है ना ध्यान से, लाइफ बॉय मेल में छुपे कीटाणुओं को धो डालता है, तो मारता नहीं है, धोता है। इसका माने कीटाणुओं को धो पहुंचकर और तंदुरुस्त बना देता है। अब ये मूर्खता है कि नहीं? इस मूर्खता में सारा देश परेशान है, और सारा देश क्या परेशान है, लाइफ बॉय खरीद रहे हैं, पैसे हिंदुस्तान लीवर विदेशी कंपनी को दे रहे हैं, और कितने पैसे दे रहे हैं। लाइफ बॉय आता है 10 रुपए का, कभी कभी आता है 12 रुपए का। लाइफ बॉय दुनिया का सबसे घटिया साबुन है, आपको मालूम है? आप पूछोगे कैसे, दुनिया में 3 तरह के साबुन होते हैं। एक होते हैं बाथ सोप, बाथ सोप का माने नहाने का साबुन, स्नान करने का साबुन। एक होते हैं टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप माने हाथ धोने का साबुन, संडास घर में से निकले तो हाथ धोने का साबुन टॉयलेट सोप। और एक होता है कार्बोलिक सोप, कार्बोलिक सोप का माने है जानवरों को नहलाने का साबुन। लाइफ बॉय कार्बोलिक सोप है,
ये वो खुद कहते हैं, कंपनी वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता। कंपनी डिक्लेयर करती है कि ये बाथ सोप नहीं है, टॉयलेट सोप नहीं है, ये कार्बोलिक सोप है। और यूरोप के देश में लाइफ बॉय से कुत्ते नहाते हैं, बिल्लियां नहाती हैं, गधे नहाते हैं, और उस लाइफ बॉय से हिंदुस्तान के 7 करोड़ लोग रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ऐसा दिमाग खराब हमारा हुआ ये विज्ञापन देख। और ये जो कार्बोलिक सोप है ना, ये बनता कैसे है इसको भी जान लो। बाथ सोप बनाते हैं, ये हिंदुस्तान लीवर का बाथ सोप है, जैसे लक्स, जैसे लिरिल, जैसे रेक्सोना, इसी का एक साबुन है पियर्स, तो वो सब बाथ सोप है। उसको बनाने के बाद ये कुछ और साबुन बनाते हैं, जैसे रिन, उसी का है, जैसे सर्फ, तो कपड़ा धोने का साबुन बनाया, नहाने का साबुन बनाया। उन दोनों को बनाने के बाद जो कचरा बच गया उससे कार्बोलिक सोप बनाया लाइफ बॉय, और वो सबसे ज्यादा बिकता है इस देश में। जो सबसे घटिया साबुन है वो सबसे ज्यादा बिकता है। इसके घटिया होने का प्रमाण क्या है? साबुन में केमिकल जितना ज्यादा, साबुन उतना ही घटिया। और केमिकल उसमें जो सबसे खराब केमिकल है, जो आपकी त्वचा को खराब करता है, मैं आपको उसका प्रमाण देता हूं। आप लाइफ बॉय से नहाइए, नहाने के बाद जब शरीर सूख जाए ना, तो नाखून से ऐसे लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींच जाएगी। कैसे खींची? लाइफ बॉय के केमिकल कचरे ने आपकी त्वचा के तेल को पूरी तरह से सुखा दिया, तो त्वचा एकदम रूखी और सूखी हो गई। और जिनकी त्वचा रूखी और सूखी होती है और बार 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 आप उस पर साबुन रगड़ेंगे, तो एक दिन आपको एक्जिमा होने ही वाला है, सोराइसिस होने ही वाला है, चमड़े के रोग होने ही वाले हैं आपको। तो लाइफ बॉय लगा लगा के त्वचा को रूखा बना रहे हैं, फिर चमड़े के रोग आ रहे हैं, चमड़े के रोग आ रहे हैं तो फिर उनको ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, फिर उनकी दवाएं खा रहे हैं, फिर उन दवाओं से शरीर पर साइड इफेक्ट आ रहा है, फिर उसके लिए इलाज करा रहे हैं। क्या घन चक्कर में फंस गए हम। और मैंने इस कंपनी की बैलेंस शीट में से एक दिन हिसाब निकाला, एक लाइफ बॉय बनाने में इस कंपनी का मुश्किल से 2 रुपया खर्च होता है, और उसको ये 10-12 रुपए में बेच लेती है। मुनाफा इस कंपनी का सैकड़ों नहीं हजारों प्रतिशत में, ऐसे ये काम करते। इस कंपनी का एक साबुन है ना पियर्स, वो तो 25-30 रुपए का है, 6-6.25 रुपए में बनता है, 25-30 में ये कंपनी बेच लेती है उसको। इस कंपनी का एक वॉशिंग पाउडर है ना 19-20 रुपए किलो में बनता है, और उसको ये कंपनी 150 रुपए किलो तक बेच लेती है वॉशिंग पाउडर को। ऐसे लूट रही है ये कंपनी। और हर साल मैंने बताया ना 2000 करोड़ रुपए जा रहे हैं आपके मेरे खून पसीने की कमाई के। तो क्या करना चाहिए? तो वही करना चाहिए जो कभी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, वही करना चाहिए जो लाला लाजपत राय ने किया था, वही करना चाहिए जो विपिन चंद्र पाल ने किया था। इसलिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने कहा कि इन कंपनियों की लूट को अगर बंद करना है तो एक ही हथियार अपने पास है, बहिष्कार करो और इनका बनाया हुआ माल खरीदना बंद करो। करेंगे ना? तो आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी सेनानी, आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी कार्यकर्ता, आज के बाद भारत स्वाभिमान का कोई भी सहयोगी, कोई भी समर्थक हिंदुस्तान लीवर कंपनी का एक भी सामान नहीं खरीदेगा, यही हमारा संकल्प है। अब आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा हिंदुस्तान लीवर का कौन कौन सा सामान है? वो अपनी पुस्तक है ना जीवन दर्शन, उसमें पीछे पूरी सूची छपी है। लक्स, हाँ आपके पास है लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, केमे, पामोलिव, डव, ये सब विदेशी साबुन है, खरीदना नहीं है इनको, पूरा बहिष्कार करना। अब आप बोलेंगे फिर करना क्या है? देशी साबुन खरीदो, देशी साबुन सब जगह मिलते हैं, अपने पतंजलि योगपीठ का भी बनता है अब तो देशी साबुन, वो आपको मिल जाएगा स्वदेशी साबुन। आपके गांव-गांव शहर-शहर में बहुत सारे स्वदेशी साबुन हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। सूची में सबका नाम दिया है,
निर्मा है, नीमा है, मैसूर संदल है, चंद्रिका है, मेडिमिक्स है, कुटीर है, बहुत सारे स्वदेशी साबुन है, अपना पतंजलि योगपीठ का साबुन है, कांति नाम है उसका, तेजस नाम है उसका, तो अपने हैं और अपने गांव में भी हैं, तो सारे स्वदेशी साबुन उपलब्ध हैं, आप उनको खरीदो और मेरी बात मानो तो और एक कदम आगे बढ़ो, बिना साबुन के ही नहाओ, साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे कैसे नहाए, जब स्नान करते हो ना तो शरीर को खूब अच्छे से रगड़ लो, मैल सब निकल जाता, पानी से नहा लो। और एक तरीका है, तौलिया होती है ना, तौलिया गीला करके उससे रगड़ लो, पानी से नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। और एक अच्छा तरीका है, थोड़ा बेसन ले लो, बेसन चने का आटा, उसमें दूध मिला लो, उसका पेस्ट बना लो, उसको रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। एक बहुत अच्छी मुल्तानी मिट्टी आती है, गांव गांव मिलती है, मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो दो, सवेरे तक नरम हो जाएगी, रगड़ के नहा लो, साबुन की जरूरत नहीं। नहीं तो दूध से नहा लो। अच्छा ये बताओ, हम जब किसी बड़े बुजुर्ग के पांव छूते हैं तो वो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ, आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? कभी किसी ने ये कहा दूधो नहाओ या लाइफ बॉय लगाओ पूतो फलो, लक्स लगाओ पुत्रियां फलो, नहीं कहा ना? सब बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो दूध से नहाओ, बुजुर्गों की इतनी तो मानो। तो आप बोलोगे जी दूध बड़ा महंगा है, साबुन से सस्ता है, साबुन आता है 100 ग्राम 15 रुपए का, तो 1 किलो कितने का हुआ, 150 रुपए का, 1 किलो दूध आता है 20 रुपए का, साबुन से सस्ता है। और नहाने में दूध जो है ना, एक चम्मच खर्च होता है, हाँ, एक बार के नहाने में एक ही चम्मच दूध लगता है। मैं तरीका बताता हूं आपको, कल नहा लेना या घर जाके नहा लेना, एक दो चम्मच दूध लेना, बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध लेना, उसको शरीर में लगाना, जैसे तेल लगाते ना, तेल लगा के हल्की हल्की मालिश करना। तो दूध की सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे ही लगाओगे तो सारे मैल और गंदगी को बाहर निकाल देता है। आपको मालूम है, बड़े बड़े, सुनो, बड़े बड़े जो ब्यूटी पार्लर्स है ना 5 स्टार, वहां पे लोग जाते हैं मिल्क क्लींजिंग कराने के लिए। मिल्क क्लींजिंग समझते हैं, दूध से चेहरे की सफाई करवाना। अगर वो दूध से चेहरे को साफ करा सकते हैं तो आप दूध से शरीर साफ क्यों नहीं कर सकते? बस अंतर इतना है कि 5 स्टार ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लींजिंग 500 रुपए में होती है, मैं फोकट में बता रहा हूं आपको। नहा के देखो दूध से, थोड़ा 2 चम्मच दूध ले लो, मैं बहुत बार नहाता हूं, 2 चम्मच दूध ले लो, लगा लो तेल की तरह से, तो सारा मैल गंदगी निकल जाएगा। फिर पानी से डाल दो तो सारा मैल और गंदगी आपकी आंखों से जाता हुआ दिखाई देगा। आप देख लो, गंदगी निकालने के लिए स्नान किया जाता है, और गंदगी निकालने की सबसे ज्यादा ताकत दुनिया में अगर किसी एक चीज में है तो वो दूध है। इसलिए हमारे देश में दूध से नहाया जाता है और दूध से नहलाया जाता है, तो आप भी नहाओ। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।